बीड बिलिंग घाटी में 27 अक्टूबर से शुरू होने जा रही पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप इंडियन ओपन 2018 कैटेगरी 2 प्रतियोगिता के लिए एरो क्लब ऑफ इंडिया से सहयोग मिल रहा है। एसडीएम बैजनाथ विकास शुक्ला ने बताया कि हम एफएआई स्विट्जरलैंड का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन व टूरिज्म के सहयोग से इस इवेंट को करवाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि इस इवेंट में पूरे विश्व के 160 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवा दिया है, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के कई देशों के अलावा साउथ अफ्रीका, अरेबियन देशों के प्रोफेशनल पायलट इस इवेंट के लिए पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इस करके यहाँ पर पूरे विश्व के एक्सपर्ट पायलट पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं। विकास शुक्ला ने बताया कि पायलटों की सुरक्षा के लिए तथा उनके साथ संपर्क के लिए बढ़िया इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी। पैराग्लाइडिंग क्रैश होने की स्थिति में 2 रेस्क्यू टीमों का गठन किया गया है तथा चॉपर को स्टैंड बाई रखा गया है। उन्होंने बताया कि बीड बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग देखने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं, जिसमें प्रदेश को विशेष तौर पर इस घाटी को विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साहसिक खेल के लिए दूसरे साहसिक खेलों में पैरा जंप मॉनिटरिंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि खेलों को भी इसके साथ जोड़कर पर्यटन को और विकसित किया जा सकता है। विकास शुक्ला ने बताया कि 27 अक्टूबर को शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में हैंड ग्लाइडिंग का भी शो रखा जाएगा, जो कि 1982 में लोगों को देखने को मिलता था। इसके साथ ही मोटर पैराग्लाइडिंग, पैरा ड्रॉपिंग, मोटर बाइक व रॉक क्लाइंबिंग को भी हम प्रमोट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की एक नई योजना, नई राहें नई दिशाएं कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए ऐसी खेलों का आयोजन करते रहेंगे। उन्होंने इसके साथ ही एफएआई स्विट्जरलैंड, एयर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में तकनीकी सहयोग दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें कई जाने माने नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में एफएआई स्विट्जरलैंड के दिशा निर्देशों पर ही काम किया जा रहा है तथा सीसीसी व एक्ससी क्वालिफाई पायलटों को ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में उन पायलटों को एक बड़ा अवसर मिलेगा जिन्होंने सार्क देशों में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में अच्छे रैंकिंग वाले पायलटों को सार्क देशों में खेलने का मौका मिलेगा। हमने और बच्चों को अच्छे रास्ते पे लगाना है। एरो क्लब के माध्यम से हमको सपोर्ट मिला, एरो क्लब ऑफ इंडिया, और इस बार हमने तकरीबन जो ये कैट 2 इवेंट है, इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री इवेंट, इसको ऑर्गेनाइज करने का एफएआई की स्विट्जरलैंड के हम आभारी हैं कि बैजनाथ एडमिनिस्ट्रेशन को और टूरिज्म डिपार्टमेंट को इन्होंने एक मौका दिया। बहुत ही आभारी हैं हम, और इसमें लगभग 19 कंट्री के 160 प्रतिभागी हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें आपका रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज मैक्सिमम, साउथ अफ्रीका एंड चेकोस्लोवाकिया, और अरेबियन कंट्रीज से भी हमारे पास जो प्रोफेशनल पायलट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। और इस इवेंट को हम बहुत ही इस बिलिंग घाटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ही जो इंटरनेशनल फुटफॉल है हमारा वो लगभग 10 गुना इंक्रीज हुआ है, और टूरिज्म एक्टिविटीज जो हमारे स्टेट में है उसको बूस्ट मिलेगा। साथ ही अल्टरनेटिवली जो एरो क्लब ऑफ इंडिया है वो बहुत इंटरेस्टेड है कि हिमाचल में बंजी जंपिंग, पैरा ड्रॉपिंग और इस तरह के आयोजन किए जाएं, और एरो क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से और उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने 27 तारीख को, जब हमारे इवेंट का पहला दिन है, हमने हैंग ग्लाइडिंग का एक स्पेशल शो रखा है, जिसमें इस घाटी में, जिसमें कब हैंग ग्लाइडिंग 80s में कभी हुआ करती थी, तो हैंग ग्लाइडिंग भी इसमें हम प्रमोट करना चाहेंगे, मोटर पैराग्लाइडिंग प्रमोट करना चाहेंगे, पैरा ड्रॉपिंग प्रमोट करना चाहेंगे, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे माउंटेन बाइकिंग के लिए और हाइकिंग के लिए और साथ में रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी यहाँ पे एवेन्यूज क्रिएट करने का, जो नई राहें नई दिशाएं एक कार्यक्रम है उसके माध्यम से प्रयास किए हैं। और बहुत ही हम आभारी हैं विभिन्न विभागों के, मीडिया के, खासतौर पर मीडिया ने हमारे को, लोकल मीडिया बैजनाथ का, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे को इसमें सपोर्ट किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, इंटरनेशनल पायलट्स ने सपोर्ट किया, एशियन पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने सपोर्ट किया और एफएआई स्विट्जरलैंड ने सपोर्ट किया,
और हम टेक्निकली जो हमारे मीट डायरेक्टर हैं इज अ ब्रिटिश नेशनल ब्रेट जेनावे, हमारी जो स्कोरन है मैगलीना कोज़लोवस्का वो रशियन है, और हमारे कन्वीनर मिस्टर विस्टास खरस वो वन ऑफ द एक्लेम्ड पायलट्स हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सेवंथ चैप्टर एफएआई के नॉर्म्स का है, हम पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे कि उसकी गाइडलाइन के बीच मद्देनजर में काम करें। और इस बार हम ट्रैकर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे और सिक्योरिटी होगी, हमको पता चलता रहेगा पायलट कहाँ पे ड्रॉप हुए हैं, और साथ में हम स्मोक बैटन भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सेक्शन 7 है एफएआई पैराग्लाइडिंग नॉर्म्स का, वो कहता है कि अगर पायलट सीसीसी कैटेगरी में पायलट आ रहा है, उसके फ्लाइंग आवर्स हैं और वो कैट 2 प्रतियोगिता में और अपना जो क्रॉस कंट्री है उसमें उसने एक निर्धारित मानदंड स्थापित किए हैं या उसकी कोई रैंकिंग है, केवल वही पायलट जो इसमें भाग ले सकता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इंटरनेशनल स्टाइल के पायलट्स को ही इसमें दें, और 150 वैसे हमने रखा है पर शायद हम 120 पे कट कर देंगे इसको। एक अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश के लिए और बीड बिलिंग के लिए कि जो सार्क देशों में जो पार्टिसिपेंट्स जाएंगे पैराग्लाइडिंग की प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता से जो इंडियन ओपन 2018 बीड बिलिंग में हो रही है उसकी रैंकिंग इनकॉर्पोरेट होंगी, सभी देशों के लिए वो वैलिड होंगी, और जो सार्क देशों के लिए चुने जाएंगे उन कंट्रीज के खिलाड़ी वो उन रैंकिंग पे आधार पे होंगे। तो एरो क्लब ऑफ इंडिया ने चाहा है और एरो क्लब ऑफ इंडिया मान रहे हैं इस बात को कि ये दुनिया की सबसे सिक्योर और बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट है, और उन्होंने हमारे को प्रॉमिस किया है कि 3 इवेंट हम देंगे और अगली बार उन 3 इवेंटों में से एक वर्ल्ड कप भी हो सकता है। के लिए बजट भी कैटर हो गया है, कुछ अनस्कर्पुलस एलिमेंट्स थे जिन्होंने जानते बूझते हुए और लॉ को ताक पे रख के, कानून को ताक पे रख के अवैध निर्माण किए हैं, और वो अंडर प्रोसेस हैं, कानून द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है उसमें, और जल्दी ही वो डेमोलिश हो जाएगा।